स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगसन पुनिया। तो हम पढ़ रहे थे लेसन ड्रॉट रिटन बाय शरद चंद्र चटर्जी, उसका थर्ड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि गफूर है उसको उठा करके ले गए थे, जमींदार जो शिबू बाबू था उसके जो नौकर थे वो उठा करके ले गए थे और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी गई थी और वो आकर के घर पे कोने में बैठा हुआ था और रो रहा था और अपने जो हालात थे उनके ऊपर दुखी हो रहा था। उसके बाद में से हमें आज पढ़ना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। ही वॉज सडनली सेकन आउट, सेकन आउट का मतलब होता है कांप उठना। वो अचानक से कांप गया था ऑफ हिज लिस्टलेसनेस, अपनी निर्जीवता से, बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की चीख सुनकर। श्रीक मतलब चीख, एक लड़की की चीख सुन करके वो अपनी निर्जीवता से कांप गया था, यानी एकदम से जागृत हो गया था। सी वॉज प्रोस्ट्रेट, अब जो लड़की थी अमीना, इसकी बेटी थी दरअसल, प्रोस्ट्रेट का मतलब दंडवत होना, सीधी लंबी गिर जाना, ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर सीधी लंबी दंडवत हो गई थी, गिर गई थी। द पिचर विच सी हैड बीन कैरिंग, और जो मटका जो वो लेके आ रही थी, टम्बल्ड ओवर, वो लुढ़क गया था। एंड महेश वॉज सकिंग अप, सक अप का मतलब चूसना, चाटना, द वॉटर, और महेश जो बेल था इनका, वो उस पानी को चाट रहा था, एज इट वर फ्लोड आउट ऑन द अर्थ, जब वो पानी पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर बह रहा था। मटके के अंदर से बेटी है वो पानी लेकर के आई थी, बाहर गई थी पानी लेने के लिए और डुडक के नीचे गिर गई थी, मटका फूट गया था, गिर गया था और महेश है उस पानी को चाट रहा था। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक पल इंतजार किए, ही सीज्ड हिज प्लाउ हेड, सीज मतलब पकड़ा मजबूती से, हिज प्लाउ हेड, अपना जो हल था उसका मुठ पकड़ा उसने, एक सिरा पकड़ा, ही हैड लेफ्ट यस्टरडे, जिस हल को उसने कल छोड़ा था फॉर रिपेयर, मरम्मत करने के लिए, एंड विद बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से, स्टक इट वायलेंटली, हिंसात्मक रूप से दे मारा, ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश की झुकी हुई गर्दन पर इस हल को जोर से मारा उसने। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, केवल एक बार महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, अपना सिर उठाने की कोशिश महेश ने करी, प्रयास किया केवल एक बार सिर ऊपर करने का महेश ने, बट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, हिज स्टार्विंग, उसकी भूखी लीन बॉडी, उसका भूखा लीन मतलब दुबला पतला जो शरीर था, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, लड़खड़ाते हुए जमीन के ऊपर गिर गया, यानी जोरदार प्रहार किया था महेश के गर्दन के ऊपर गफूर के द्वारा, और एक बार प्रयास किया महेश ने अपने सिर ऊपर उठाने का, लेकिन उसका पूरा जो भूखा शरीर था, दुबला पतला शरीर था, वो लड़खड़ाते हुए जमीन पे गिर गया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, खून की कुछ बूंदे, रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से बहने लगी। हिज होल बॉडी शूक वंस और ट्वाइस, उसका पूरा शरीर एक दो बार कांपा, एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स, और फिर स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए द फोर एंड हाइंड लेग्स, अपनी अगली और पिछली टांगों को, एज फार एज दे वुड रीच, जितनी दूर वे जा सकती थी उतनी दूर अपनी टांगों को फैलाते हुए, बेल है वो नीचे जमीन पे गिर गया था। महेश फेल डेड, महेश मर चुका था। What have you done, father? पिताजी आपने ये क्या किया? Our Mahesh is dead. हमारा महेश मर गया है। अमीना burst out weeping. अमीना है वो फूट फूट कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि हमारा महेश है वो मर गया है, आपने इसको मार दिया है। गफूर did not move. अब गफूर ना तो हिला, nor answer her, ना ही अपनी बेटी का जवाब दिया सवाल का। He remained staring, वो केवल घूरता रहा, without blinking, बिना आंखें टिमटिमाए, at a pair of motionless beady black eyes. अब गफूर को भी दुख था इस बात का, he remained staring, वो केवल घूरता रहा, without blinking, बिना आंखें चमकाए, at a pair of, किसको घूर रहा था वो, a pair of motionless beady black eyes, motionless मतलब स्थिर, बीडी माला के मनकों की तरह, black eyes काली आंखें, जो दो काली आंखों का जोड़ा था, बेल जो था महेश उसकी आंखों का, मोशनलेस थी वो, स्थिर थी क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी, तो उन आंखों को वो घूरता रहा केवल। बिफोर टू आवर्स वर आउट, दो घंटे समाप्त होने से पहले ही, द टेनर्स, टेनर्स का मतलब क्या होता है, टेनर्स कहते हैं चर्म शोधक जो होते हैं उनको, जो जानवरों की चमड़ी जो होती है उसकी जो खाल होती है उसको निकालते हैं उनको बोलते हैं। तो बिफोर टू आवर्स वर आउट, दो घंटे होने से पहले ही, द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, जो गांव के किनारे पर रहते थे, केम क्राउडिंग इन, वो आए एंड कैरीड ऑफ महेश, और महेश को लेकर चले गए, ऑन ए बाम्बू पोल, एक बांस के पोल पर लटका कर।
शडरिंग, कांपते हुए एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ, साइट मतलब दृश्य, शाइनिंग नाइफ चमचमाते हुए चाकुओं को बोलते हैं, चमचमाते हुए चाकुओं का दृश्य देखकर कांपते हुए इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, यानी जो टेनर्स थे, जो चरम शोधक थे, जो मैच को बॉडी को लेके गए थे, उनके हाथों के अंदर चमचमाते हुए चाकू थे, तो उनके दृश्य चाकू को देख करके कांपते हुए गफूर क्लोज्ड हिज आइज, गफूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, यानी उसको पता चल गया था कि अब हालांकि मर गया था वो बैल, फिर भी उसको दुख था कि अब इसको काटा जाएगा चाकू से। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम, अब जो नेबर्स थे उन्होंने उसे सूचित किया दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्ना, कि जमींदार ने तारक रत्ना को बुलवाया था टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए, आस्क फॉर का तो था मांगना, तो जो पड़ोसी थे गफूर के उन्होंने बताया गफूर को कि जमींदार ने तारक रत्न जो पुजारी है उसको बुलाया था उसकी सलाह लेने के लिए। हाउ वुड गफूर पे, कि गफूर किस तरीके से भुगतान करेगा फॉर द पिनेस, पिनेस कहते हैं प्रायश्चित को, कि गफूर किस तरीके से प्रायश्चित का भुगतान करेगा विच द किलिंग ऑफ ए सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, सैक्रेड एनिमल पवित्र जानवर, डिमांडेड मतलब मांग करता, यानी एक पवित्र जानवर का प्रायश्चित वो किस तरीके से करेगा, यानी उसने एक पवित्र जानवर को मारा है तो उसका प्रायश्चित गफूर है वो किस तरीके से करेगा, इसकी राय लेने के लिए जमींदार है उसने पुजारी को बुलाया था। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, अब गफूर जो था मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, उसने ये जो रिमार्क्स थी, जो टिप्पणियाँ थी कि जमींदार ने पुजारी को बुलाया है प्रायश्चित किस तरीके से करना है उसको, उसकी राय लेने के लिए उस पर क्या जुर्माना लगाया जाए गफूर पर, तो गफूर ने इन टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमेन स्क्वेटिंग, स्क्वेट का मतलब उकड़ू बनकर बैठे रहना, वो उकड़ू बनकर बैठा रहा विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, और उसकी ठोड़ी जो है वो उसके घुटनों के ऊपर टिकी हुई थी। अमीना डियर, अमीना बेटी, कम, चलो, लेट्स गो, चलते हैं, सेड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग हिज डॉटर, अपनी बेटी को उठाते हुए, एट द डेड ऑफ नाइट, आधी रात को, यानी रात के अंधेरे में अपनी बेटी को उठाते हुए गफूर ने कहा कि चलो अब चलते हैं यहाँ से। शी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड, और अमीना जो है वो सो रही थी कहाँ पे, यार्ड में, परिसर के अंदर वो सो रही थी। वेयर फादर, कहाँ पिताजी, तो अमीना ने पूछा कि पिताजी कहाँ चले। शी आस्क्ड रबिंग हर आईज, अमीना ने अपनी आंखों को रबिंग करते हुए यानी रगड़ते हुए मसलते हुए पूछा कि कहाँ चलना है। टू वॉक एट द जूट मिल, जूट मिल पर काम करने के लिए, एट फुलब्रे, फुलब्रे, सेड द फादर, पिताजी ने कहा, यानी गफूर ने अपनी बेटी से कहा कि अब हम फुलब्रे चलेंगे, वहाँ पर जो जूट मिल है उसके अंदर काम करेंगे। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुअसली, इनक्रेडुअसली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, यानी किसी बात के ऊपर अपने को विश्वास ना हो तो उस तरीके को बोलते हैं इनक्रेडुलसली। द गर्ल लुक्ड एट हिम, तो उस लड़की ने अपने पिताजी को देखा इनक्रेडुलसली, अविश्वसनीय रूप से। थ्रू ऑल हिज मिजरी, अपने सारे दुखों में, अपने सारे मिजरी जो थे, दुख थी, मुसीबतें थी, कष्ट थी, उनमें ही हैड डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब मना कर देना, गफूर ने मना किया था, डिक्लाइन किया था टू गो टू फुलब्रे, फुलब्रे जाने के लिए, यानी कितना भी कष्ट, कितनी भी तकलीफ, कितनी मुसीबतें आ जाएं, इससे पहले आई थी, गफूर ने कभी हाँ नहीं करी थी फुलब्रे जाने के लिए। अब उसका रीजन क्या था, नो रिलीजन, वहाँ पर कोई धर्म नहीं था, नो रिस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, नो प्रीवीसी फॉर वुमेन फॉक देयर, और वहाँ पर औरतों के लिए किसी प्रकार की कोई प्रीवीसी नहीं थी, यानी निजता नहीं थी। सी हैड ऑफन हार्ड हिम से, अमीना ने प्राय अपने पिताजी को ये बातें बोलते हुए सुना था कि हम फुलब्रे तो किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर औरतों के लिए प्राइवेसी नहीं है, निजता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं किया जाता औरतों का, कोई धर्म वहाँ पे नहीं है। लेकिन आज इतने जब मुसीबतों के पहाड़, इतनी ज़्यादा गरीबी के अंदर, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, तो आखिरकार गफूर को भी सहमत होना पड़ा एक ऐसी नर्क वाली जगह पर जाने के लिए। इसलिए इसने अपनी बेटी को उठाया आधी रात को कि चलो हम फुलब्रे चलते हैं। हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो बेटी, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, सेड गफूर, गफूर ने कहा। उसके बाद में आगे देखिए, अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक, अब जो अमीना थी, गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बॉल, बॉल कहते हैं कटोरे को, तो अमीना है वो जो पानी पीने का जो बर्तन था उसको लेने के लिए गई। एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, और अपने पिताजी की जो पीतल की प्लेट थी जिसको गिरवी रख करके ये
एक रुपया लेके आता था बंसी की दुकान से, कई बार लेके आया था। तो उस ब्रास प्लेट को लेने के लिए गई और ड्रिंक बॉल जो था, पानी पीने का जो बर्तन था, उसको लेने के लिए अमीना है वो गई। लीव देम अलोन डार्लिंग, लीव देम अलोन, उन्हें रहने दो यहीं पर डार्लिंग, यानी बिटिया। डार्लिंग का मतलब यहाँ पे बिटिया, कि बिटिया इनको यहीं पर रहने दो। दे विल पे फॉर द पिनेस फॉर महेश, ये महेश के प्रायश्चित को भुगतान कर देंगे, यानी महेश को हमने मारा है इतने पवित्र जानवर को, तो उसका प्रायश्चित जो है उसके लिए भुगतान कर देंगे, ये यहीं पे रहने दो, इनको हम साथ लेकर नहीं जाएंगे, सेट गफूर, गफूर ने कहा। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, रात के अंधेरे में गफूर जो है वो रवाना हुआ। होल्डिंग इज डॉटर बाई द हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रात के अंधेरों में ये रवाना हो गया, कहाँ जाने के लिए, फुलब्रे जाने के लिए, जूट मिल में काम करने के लिए। तो इस पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो काम करने के लिए अंत में कहाँ चले गए थे। तो और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महेश जो है उसको मार दिया था गफूर ने, तो उसका प्रायश्चित उसने किस प्रकार से किया था। तो एक तो जो ड्रिंक बोल था और एक ब्रास प्लेट, इन दोनों को छोड़ करके पीछे उसने प्रायश्चित किया था। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन, उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। इन द विलेज, गांव में उसका अपना कोई नहीं था। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, और गफूर को किसी से कुछ भी नहीं कहना था। क्रॉसिंग द यार्ड, परिसर को पार करते हुए, व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, जब गफूर अकेसिया के पेड़ के पास पहुंचा अपनी बेटी के साथ, जहां पर महेश बंदा रहता था, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल, स्टॉक स्टिल मतलब स्थिर, वो एकदम से स्थिर होकर के, जड़वत होकर के वहां पे खड़ा हो गया। एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और जोर जोर से चीखने लगा, जोर जोर से रोने लगा वहाँ उस पेड़ के पास में खड़ा होकर के। अल्लाह, भगवान, ही सेड, उसने कहा, रेजिंग इज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, उसने अपना सिर है वो ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड का मतलब होता है तारों से आच्छादित जो आसमान था, उसकी तरफ अपना ऊपर सिर उठाते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, तारों से आच्छादित आसमान को देखते हुए उसने कहा कि भगवान, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे उतनी सजा दो जितनी आप चाहते हो, जितनी आप देना चाहते हो। महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लिए हुए मर गया। नो बडी लेफ्ट द टीनियस्ट बिट ऑफ लैंड, किसी ने भी, टाइनियस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, बिट ऑफ लैंड भूमि का टुकड़ा, किसी ने एक छोटे से छोटी भूमि का टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। फॉर हिम, उसके लिए, टू फीड ऑन, जिस पर मैं उसे जीवित रख पाता, यानी मेरे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी जिसके ऊपर मैं खेती करके महेश को जीवित रख पाता। प्रे नेवर फॉरगिव, मैं प्रार्थना करता हूँ, नेवर फॉरगिव दोज, कि उन लोगों को कभी माफ मत करना, देयर गिल्ट, उनके दोष के लिए, उनके जुर्म के लिए। हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, जिन लोगों ने उसे घास नहीं खाने दिया। नॉट ड्रिंक द वाटर, और जिन लोगों ने उसे पानी नहीं पीने दिया। यू हैव गिवन, जो आपने दिया है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को तुम कभी माफ मत करना जिन लोगों ने मेरे महेश को कभी पानी नहीं पीने दिया, कभी घास नहीं खाने दिया, और ये सारी चीज़ें आपने दी है, तो उनको सजा देना उनके जुर्म के लिए, उनको कभी माफ़ मत करना। तो ये तो थी स्टोरी ड्रोट। अब इस स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, अबाउट द स्टोरी इन ड्रोट। ड्रोट कहानी में द राइटर हैज ड्रॉन ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रोट, राइटर ने सूखे की एक पिक्चर यहाँ पे प्रदर्शित करी है आपके सामने। ड्रोट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कलामिटी, ड्रोट है वो एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में, इन राजस्थान फ्रीक्वेंटली, प्राय राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। इन द प्रेजेंट स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर, गफूर द मेन कैरेक्टर, गफूर जो मुख्य पात्र है, इज अंडर स्ट्रेस, वो तनाव के अंदर रहता है। द राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस। तो इस कहानी के अंदर राइटर ने बहुत ही सफलतापूर्वक जो मानव का स्वभाव होता है, तनाव के अंदर मानव किस तरीके से काम करता है, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को
अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है, यहाँ पे लिख करके आपके सामने अच्छी तरीके से रखा है राइटर ने कि तनाव के अंदर, बहुत ज़्यादा तनाव अंडर स्ट्रेस जब इंसान चला जाता है, दुखों के अंदर चला जाता है, जिस तरह से गफूर चला गया था, तो इंसान की क्या हालत होती है, वो कौन से कदम उठाता है। जैसे गफूर ने महेश को मार दिया था और ये एक ऐसे स्थान पर जाने के लिए राजी हो गया था जिस स्थान को बिल्कुल भी ये लाइक नहीं करता था, हमेशा डिसलाइक करता था, क्योंकि वहाँ पर औरतों के लिए इज्जत नहीं थी, वो स्थान पवित्र नहीं था, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं था, वहाँ पर प्राइवेसी नहीं थी औरतों के लिए, लेकिन आखिर में उस स्थान पर जाने के लिए भी ये सहमत हो जाता है। तो किस तरीके से एक गरीब आदमी जब सूखे की मार पड़ती है तो रिएक्ट करता है, वो आपको इस कहानी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से राइटर ने शरद चंद्र चटर्जी ने बताया है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये लास्ट लेसन जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अगले लेसन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। थैंक यू।